ਸ਼ੀਲ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੂੜ ਪਖੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾਸ ਸੀ। श्री गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है, ये जन्म दिहाड़ा पूरे संसार दे विच अपनी अपनी शर्ता दे मुताबक पूरे हुलास ते खुशियां नाल मनाया जा रहा है। श्री गुरु रविदास महाराज जी दा जन्म उस वेले होया जदो चारे पासे जातियां दा धर्मां दा बोलबाला सी, जो चारे पासे धर्मां ते जातां नूं लै के आपस विच ही लोग एक दूसरे दे नाल इन्नी नफरत करदे सन कि उन्हां दा समाज दे विच खास करके शूद्र जाति दा समाज विच जीना बहुत ही दुब्बर होया पिया सी। जो चारे पासे लोगों की हाहाकार मची हुई सी, उच्च जाति दे लोग शूद्र जाति दे नाल किस तरह भिन्न भेद करदे सन इन्हां नूं शब्दां च बयान नहीं कीता जा सकता, पर उस वक्त श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्म होया। दूसरे शब्दां विच गल करिए तां श्री गुरु महाराज जी ने उस अकाल पुरख की सच्चे मन दे नाल भगती की ते उस नूं प्राप्त भी किया। जनेऊ की रस्म का उन्होंने विरोध किया। जनेऊ श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। उस वेले जदों कि शूद्र जाति दे नाल संबंधित लोगों नूं ये लोग अपने मोहल्लिया तो बाहर उन्हां दा निवास बनाउंदे सन, उन्हां नाल किसी भी किस्म का कोई मिल वर्तन नहीं रखते सन, तां गुरु रविदास महाराज जी ने लोगों नूं बहुत समझाउण दी कोशिश कीती कि अकाल पुरख दे बनाए हुए आपां सारे बंदे हाँ, जे अकाल पुरख ने कोई भिन्न भेद नहीं किया तो आपां कौन हुंदे हाँ। उन्हां दी बनाई हुई इस अनमोल दात दे नाल भिन्न भाव करिए। अज पूरे संसार दे विच 644वां जन्म दिहाड़ा पूरे संसार दे विच मनाया जा रहा है। बनारस दे विच मजलूमां लई आवाज़ बुलंद करके बाबे रविदास नाल बदसलूकी की गई। सांझीवालता का सुनेहा दिंदिया उस समय की लोकाई विच मौजूद ऊच नीच छूत छात पखंड के खिलाफ श्री गुरु रविदास महाराज जी डट के बोले ने। दक्षण एशिया के दुआले दूर दुराडे सफर कर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने रब्बी शख्सियतां नाल मुलाकात करन दे नाल रब दी सिफत बंदगी दे बाक रच के इलाही सुनेहा दिता है। राजा पीपा, राणी मीराबाई, राणी झालांबाई अते कई होर श्री गुरु रविदास महाराज जी दे मुरीद रहे ने। श्री गुरु रविदास महाराज जी 1520 नूं बनारस विखे तकरीबन 70 साल की उम्रे इस फानी दुनिया तो रुखसत हो गए। रुखसत होने तो बाद इन्हां दे जिस्म नूं राजा हरदेव सिंह नागर दे बाग दे विच चिखा विच इन्हां नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी दा इको ही पैगाम सी, इको ही सुनेहा सी कि जातां पातां तां सिर्फ इंसान ने बनाईयां ने, मालक ने तां सिर्फ इंसान सिरजिया है। पर अफसोस की गल है कि आपां लोग बाणी नूं पढ़ते जरूर हाँ, उसते अमल नहीं करते। मुबारकबाद दे पात्र ने वो लोग, वो भागां वाले जो बाणी नूं पढ़ते भी ने ते उसते अमल भी करते ने। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो
तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले है 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक के इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।